जय हिंद दोस्तों, आज की ताजा खबरें यानी 1 जनवरी 2022 जो जश्न का माहौल है इसमें एक विघ्न पड़ा। वैष्णो माता पे 12 श्रद्धालुओं ने अपनी जान दे दी और वो भी जान लेने वाला था कोई वीआईपी, यानी वीआईपी कल्चर की वजह बना उसकी, यानी सीआरपी ऐप ने उस वीआईपी कल्चर यानी वीआईपी आदमी को अंदर एंट्री करने के लिए भीड़ को रोका और भीड़ को पीछे इतना धकेला कि भीड़ गिर गई और गिरने एक दूसरे के ऊपर गिरते गिरते 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे, वो भी ऐसी पाक ऐसी शुद्ध जगह पर जहां पर वो अपनी मन्नत मांगने गए थे जिंदगी की और जिंदगी खो बैठे। दोस्तों ऐसा वीआईपी कल्चर की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, वो ऐसी ड्यूटी की जो सीआरपी वाले ने निभाई मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही हमारे वीर जवानों ने ग्लेशियर में कबड्डी खेलकर किसी ने नया साल मनाया, किसी ने अपने दुश्मन देश को भी मिठाई इस त्यौहार पर्व पर उनके भी सम्मान किया, उनको मिठाई एक्सचेंज करके मनाया, तो किसी ने सामने आकर के अपने राइफल और कम्बैट के साथ देशवासियों के लिए कहा कि देखो देश सुरक्षित है, मैं कितनी भी -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों ये थे हमारे जवानों के अलग अलग वीडियो, आप देख सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। साथ ही मैं कड़ी निंदा एक बार फिर उनकी करना जिनकी वजह से, जिन वीआईपी की वजह से हमारे आम आदमी 12 श्रद्धाजनों की जान गई है। धन्यवाद दोस्तों। समस्त देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। 2022 सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। जय हिंद। सारे मुल्क के लोकन बीएसएफ की तरफ तुम तो तुहन परिवार नए वरी जतोह मुबारकबाद। जय हिंद। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय हिंद। हम सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर में दुश्मन से और मौसम से दोनों से लड़ रहे हैं। आपको भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ना होगा। एक खास मैसेज उन लोगों के लिए जो आज अपने परिवारों के साथ नव वर्ष मना रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने